सो भाई लोग कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो मैं अपने यूट्यूब चैनल के टोटल व्यूअरशिप की बात करूँ, उसमें ज़्यादातर जो व्यूअर्स हैं वो 18 से लेकर 24 के एज के हैं। तो या तो आप कहीं पर पढ़ाई कर रहे होंगे या आप कहीं पर जॉब कर रहे होंगे, और अभी आपकी मोस्ट प्रायोरिटी होगी कि कैसे भी करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए जाए। तो मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक अर्निंग चाहते हैं ताकि आपके घर वालों पर ज़्यादा बर्डन ना पड़े, या आप कहीं पर जॉब करते हैं लेकिन उस सैलरी से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप थोड़ा बहुत और अर्निंग करना चाहते हैं जिसके लिए आप कहीं पर हाथ पैर भी मार रहे हैं लेकिन कोई ऑप्शन नहीं आपके पास में अवेलेबल है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा जरिया जिसकी हेल्प से आप घर बैठे आसानी से महीने के 10,000 20,000 रुपए या 50,000 रुपए भी अर्निंग कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना इसमें वर्क करते हैं। वर्क भी बहुत ज्यादा मेहनत वाला नहीं होगा, स्मार्ट वर्क है, इजीली आप घर बैठे कर पाएंगे। और जो काम मैं आपको बताने वाला हूं उसका पेमेंट प्रूफ भी आपको दूंगा। तो चलिए सब बातों को साइड में रखते हुए पहले मैं आपको पेमेंट प्रूफ पे ही लेके चलता हूं, जिसके लिए मैंने अपने फोन को अपने हाथ में ले लिया है और यहाँ पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ जो मैं विड्रॉ अभी लगाने वाला हूँ। और ये हो चुका है हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन। अब जिस एप्लीकेशन के हम विड्रॉ लगाएंगे उसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर अभी आप करंट बैलेंस में देख सकते हो कि 700 रुपये पड़ा हुआ है और टोटल जो अर्निंग है 5,840 की हो चुकी है। विड्रॉ वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर टोटल पे आउट जो है 700 का है। इसमें TDS भी कटता है बॉस, ये आप ध्यान रखिएगा, जो भी आपकी अर्निंग होगी वो TDS कटता है, जिसे आप क्लेम कर सकते हो जब आप अपना ITR फाइल करेंगे। तो हम यहाँ पर कंफर्म विड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इस एप्लीकेशन को जब आप साइन अप वगैरह कंप्लीट करेंगे ना तो उस टाइम ही आपको एक एमपिन बनाना होता है। तो जो मेरा एमपिन बना हुआ है उसको मैं एंटर करके कंफर्म एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। इतना करते ही यहाँ पर आप देख सकते हो परफॉर्मेंस सक्सेसफुली हो चुका है और ये जो पैसा है कुछ ही मिनटों में मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि ये UPI की वे अकाउंट में क्रेडिट होता है। सो वीडियो में मैंने आपको लाइव प्रूफ तो दे दिया। अब बात करते हैं कि ये एप्लीकेशन काम कैसे करता है। तो पहले मैं आपको वर्बली बता देता हूँ, फिर उसके बाद में इस एप्लीकेशन का यूज़ करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हो मनी रिसीव्ड का हमें यहाँ पर मैसेज भी मिल चुका है, 665 रुपये हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं। मैं आपको मैसेज जो है रिसेंट वाला भी दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो मनी रिसीव्ड 665 रुपये इन योर HDFC बैंक। तो जो भी आपकी अर्निंग होगी उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, अगर आप विड्रॉल लगाते हैं तो इंस्टेंटली आपके अकाउंट में सेटलमेंट कर दिया जाता है। अब सवाल आता है कि ये एप्लीकेशन करती क्या है और कैसे आप इससे अर्निंग कर सकते हैं। तो इसे समझाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। आपके भी सामने कई बार ऐसी सिचुएशन आई होगी कि आपने किसी को बोला होगा कि यार मेरा एक बैंक अकाउंट ही खुलवा दे, या हो सकता है किसी ने आपको बोला होगा कि मेरा एक बैंक अकाउंट खुलवा दे या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवा दे या कोई ऐसा ऑप्शन ही बता दे जहां से मैं थोड़ा बहुत एक छोटा लोन ही ले लूं। तो ये एप्लीकेशन वैसे ही प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। यानी आप बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन के जरिए खुलवा सकते हैं, और किसी का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू खुलवा सकते हैं यानी अप्लाई करवा सकते हैं। आप किसी के लिए लोन लेना चाहते हैं तो उसको आप इस एप्लीकेशन के थ्रू दिलवा सकते हैं। यानी एक शब्द में बताऊं तो आप इस एप्लीकेशन के जरिए फाइनेंशियल सर्विसेज को सेल करवा सकते हैं और उसके लिए एक कमीशन आप अर्न कर सकते हैं। हर टास्क के लिए यहाँ पर अलग अलग कमीशन है। यानी सेविंग अकाउंट के लिए एक अलग अमाउंट का कमीशन आपको मिलता है, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवाते हैं तो उसके लिए अलग अमाउंट का आपको कमीशन मिलता है, आप लोन अप्लाई करवाएंगे क्रेडिट लाइन अप्लाई करवाएंगे तो उसके लिए अलग अमाउंट का आपको जो कमीशन है वो मिलता है। एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में यस करके लिखो, नहीं क्लियर है तब भी आप यहां पर पूछ सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आप इसमें साइन अप वगैरह कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा इस एप्लीकेशन का, आप वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। रेफर कोड भी आपको देखने को मिल जाएगा, उसे एंटर कर दीजिएगा, जिसके बाद से आप यहां पर सक्सेसफुली अपना साइन अप कंप्लीट कर लेंगे। और KYC मस्ट कर लीजिएगा, KYC करना भी बहुत ज्यादा ईजी है। वैसे KYC कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोड है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही है इस प्रोसेस में, तो ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं कि ये एप्लीकेशन काम कैसे करता है। तो फिर से हम अपने फ़ोन को उठा लेते हैं और स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर लेंगे ताकि समझाने में आपको आसानी मुझे हो जाए। सो मैंने उस एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। अभी आप देख सकते हो बैलेंस में 0-0 हो चुका है। जो भी अमाउंट हमने अर्न किया था, टोटल अर्निंग आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी, यहाँ पर जो 5,840 हो चुकी है, मैं यहाँ पर आपको राउंड करके भी दिखा देता हूँ। बैलेंस यहाँ पर आपको दिख जाता है
और ऐड लीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पर लीड भी ऐड कर सकते हो। बट यहाँ से आप मत करो, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्या करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो होम पेज पर ही आपको सेल एंड अर्न का ऑप्शन बना हुआ है। तो आप क्या सेल करना चाहते हैं, कुछ लोगों को हो सकता है क्रेडिट कार्ड की जरूरत हो, कुछ लोगों को डीमैट अकाउंट भी आप खुलवा सकते हो जिससे जरूरत होगा, क्रेडिट लाइन भी आप यहां से अप्रूव करवा सकते हो, बैंक अकाउंट भी खुलवा सकते हो। तो मान लीजिए आपको क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, यानी क्रेडिट कार्ड किसी का अप्लाई करवाना है, तो ये जो ऑप्शन बना हुआ है इसे आप क्लिक करेंगे। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अलग अलग बैंक के डिफरेंट डिफरेंट क्रेडिट कार्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। लाइक एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, इससे आप कितनी अर्निंग कर सकते हो, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, अर्न अप टू 2300 रुपीज़ तक का आपको अर्निंग हो जाएगा अगर आपके लिंक के थ्रू कोई पर्सन इसको अप्लाई करता है और उसे सक्सेसफुली अप्रूव होकर क्रेडिट कार्ड डिलीवर्ड मिल जाता है। तो सेकंड बैंक की बात करें तो वो है AU बैंक का क्रेडिट कार्ड, इसमें भी आपको 2200 का कमीशन मिल सकता है। इंडोसेंट बैंक का क्रेडिट कार्ड आप यहां से अप्लाई करवा सकते हो जिसके थ्रू 1900 रुपए की अर्निंग हो जाएगी। जुपिटर एज रुपए क्रेडिट कार्ड, यानी रुपए क्रेडिट कार्ड की अभी बहुत ज्यादा डिमांड है, तो वो भी आप यहां से किसी का एप्लीकेशन फाइल करवा सकते हो। कैसे करवाना है वो मैं आपको दिखा देता हूं। यहां देखिए शेयर टू कस्टमर का ऑप्शन बना हुआ है, आपको मैं यहाँ हाईलाइट करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए शेयर टू कस्टमर का ऑप्शन बना हुआ है, इस पर जस्ट आपने टैप कर देना है। नेक्स्ट पेज में आपको शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और आपके पास में जो भी सोशल मीडिया होगा लाइक फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, वहां पर आप इस लिंक को शेयर करेंगे। देन वो कस्टमर यानी जिसको आपने शेयर किया है वो इस लिंक के थ्रू अपना साइन अप कंप्लीट करेगा, एप्लीकेशन फाइल करेगा और उसका अप्रूवल हो जाएगा तो आपको उसका कमीशन मिल जाएगा। जैसे कि हम बात करें जुपिटर एज क्रेडिट कार्ड की, जो कमीशन की बात करें तो 1000 रुपये है, तो 1000 रुपये की आपकी अर्निंग यहाँ पर शो करेगी जिसकी ट्रैकिंग में विद इन 7 डेज लग जाते हैं और उसके बाद में यहाँ पर जो शो करेगा अमाउंट वो आप अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट करवा पाएंगे। IDFC फर्स्ट पावर रुपए क्रेडिट कार्ड है, HDFC बैंक का रुपए क्रेडिट कार्ड है, एक्सिस नियो क्रेडिट कार्ड है, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है। तो जो भी आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवाना चाहते हैं आप यहां से बस शेयर टू कस्टमर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप शेयर कर देंगे और उस लिंक के थ्रू आप उसका एप्लीकेशन फाइल करवा देंगे। दूसरा है डीमैट अकाउंट, इस पर क्लिक करके यहां पर कई सारे डीमैट अकाउंट है लाइक एमस्टॉक का हो गया, शेयर मार्केट हो गया, HDFC स्काई का, तो इसमें भी आपको पे आउट देखने को मिल जाएगा। एमस्टॉक का 700 रुपये है, फोनपे शेयर मार्केट का 200 रुपये है, HDFC स्काई का 400 रुपये है। तो अगर किसी की जरूरत है डीमैट अकाउंट की तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। क्रेडिट लाइन की बात कर ले तो यहाँ पर यूनी पे चेक अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, वहाँ पर आपको फ्री में क्रेडिट लिमिट मिल जाता है जो कि आपको एक फिक्स डेट के ऊपर आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है और 15 दिनों का आपको फ्री क्रेडिट लिमिट मिल जाता है। तो इस पॉपुलरिटी का फायदा लेकर आप यहां से लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं यूनी पे चेक के बारे में और एक रेफरल का आपको 730 रुपये क्रेडिट किया जाएगा। इसके अलावा बजाज EMI कार्ड को यहाँ से शेयर कर सकते हो। हाल ही में बजाज EMI कार्ड के ऊपर जो बैन लगा हुआ था RBI का वो भी हट चुका है, तो अभी बहुत ज़्यादा बजाज EMI कार्ड अपने आप को प्रमोट कर रही है और आसानी से अप्रूवल भी दे रही है, तो आप इसे भी शेयर कर सकते हैं। और पर आपको सक्सेसफुली सिर्फ क्रेडिट लिमिट अप्रूव का 250 रुपये मिल जाएगा, भले ही उसको कार्ड लेना हो या ना लेना हो कोई मैटर नहीं करता, अगर वो अपना सिर्फ और सिर्फ कार्ड का अप्रूवल ले लेता है तो आपको 250 रुपये का जो यहाँ पर कमीशन है वो मिल जाएगा। इसके अलावा बात कर ले अदर प्रोडक्ट्स की तो बैंक अकाउंट भी आप यहाँ से शेयर कर सकते हो। बैंक अकाउंट में बात कर ले तो कौन कौन से बैंक यहाँ पर अभी अवेलेबल है, इंडोसेंट बैंक है, एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक का MS है, फाई बैंक है, येस बैंक है और भी कई सारे बैंक अभी जो पॉज है चल रहे हैं, तो जल्द से जल्द ये भी आ जाएंगे, तो इन्हें भी आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं और आपके लिंक के थ्रू इन बैंक में अपना खाता खुलवाएंगे ना तो आपको इसके लिए कमीशन मिलेगा। इंडोसेंट बैंक की बात करें तो 800 रुपये अभी दे रहा है सेविंग अकाउंट का। तो आप देख लीजिए आप कौन सा यहाँ से प्रोडक्ट शेयर कर सकते हैं और उसके लिए आप यहाँ से कमीशन अर्न कर सकते हैं। एक सीक्रेट मैं आपको और बता देता हूँ, मान लीजिए आपने अपना यहाँ पर अकाउंट बना लिया तो आप यहाँ पर जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है वो शेयर करके तो अर्निंग कर ही सकते हैं, एंड एक और ऑप्शन के जरिए आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं, वो है रेफरल का। रेफरल वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके देख सकते हो मैंने यहाँ पर अभी 5 रेफरल कंप्लीट कर लिए हैं जिसके थ्रू मुझे अर्निंग भी हुई है। तो आप भी इस तरह से अपना रेफर कोड और यहाँ का लिंक शेयर कर सकते हैं और जो भी दोस्त आपका इसमें साइन अप कंप्लीट करेगा और वो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को शेयर करेगा तो उसके लिए आपको 10% की अर्निंग होगी जितनी भी उसकी अर्निंग होगी। फॉर एग्जांपल वो 10,000 रुपये अर्न करता है तो आपकी भी जो है 1,000 रुपये की अर्निंग हो जाएगी। 1,00,000 रुपये अर्न करेगा तो आपको 10,000 की अर्निंग हो जाएगी। तो ये भी इस एप्लीकेशन का एक आपको अलग से एडवांटेज मिल जाएगा। सो इस वीडियो में मैंने आपको विद प्रूफ दिखाया है कि कैसे आप इस एप्लीकेशन के जरिए अर्निंग कर सकते हैं। साइन अप
का प्रोसेस मैंने आपको करके नहीं दिखाया, वो बहुत ही ज्यादा इजी है। आप बस डिस्क्रिप्शन को चेक, जो लिंक वहां पर आपको मिलेगा उसके थ्रू आप इंस्टॉल करके आप यहां पर साइन अप कंप्लीट कर लीजिए। और कोई दिक्कत आता है तो प्रीवियस वाली वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा, आपका वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर कर दीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ में ज्वाइन कर लीजिए। जितनी भी नए ऑफर या अपडेट आते हैं उसकी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हम टेलीग्राम पर ही पोस्ट कर देते हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का दिल से थैंक्स। मैं आपसे मिलता हूं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।